जैसे कि आप लोग को बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि बहुत ही आसान है इसको ओपन करना, तो नहीं फ्रेंड्स, इसको इतना आसान नहीं है ओपन करना। यहाँ से क्रैक हो चुका है, यहाँ से क्रैक हो चुका है, आप लोग इसको इजीली देख पा रहे होंगे। तो इतना आसान तो नहीं है फ्रेंड्स इसको ओपन करना, आपके लिए इतना तो करना बनता है। इस तरह से जो पीछे की बॉडी है उसमें से जो है स्ट्रिप निकल चुकी है, तो इसको ओपन कैसे किया जाए और इसको रिपेयर कैसे करना होगा। सबसे पहले जो इसको निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है, और निकालने के बाद जो है वर्क करना इजी रहेगा। तो इसको खोलने के लिए हमें जो है ये वाइट सेक्शन और ये ब्लैक सेक्शन को जो है बीच में से सेपरेट करना होगा, और ये फिक्स होता है ग्लू की मदद से। इसमें कोई भी आपको पीछे की तरफ स्क्रूज वगैरह आपको नहीं देखने मिलेंगे, तो आपको इसको सेपरेट करना होगा एक कुछ इस तरह के स्क्रू ड्राइवर की मदद से, जिसमें आप इसको माइनस वाला ले सकते हो। तो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ ये थर्मिस्टो का जो है माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर एक यूज कर रहा हूँ, और साथ में मैं यूज करूंगा ये अपना अनबॉक्सिंग नाइफ। तो सबसे पहले जो ये केबल आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, उसमें आपको एक यहाँ पे जो है इस तरह से इंसर्ट कर लेना है। जैसे ही कुछ इस तरह से इंसर्ट करोगे, ध्यान रखना कि ये जो आपका केबल है वो कट ना हो जाए, नहीं तो आपकी जो रिंग लाइट है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी। तो इस तरह से इंसर्ट करते ही कुछ अंदर की तरफ प्रेस करना है आपको इस तरह से, और यहाँ पे आपको जो है स्पेस ओपन हो जाएगी, और कुछ इस तरह से नाइफ इंसर्ट कर लेना है, और तरफ से जो फॉर्मली आपको प्रेस करना है उसी तरह से। फिर यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे और थोड़ा सा प्रेस करके फिर नाइफ यहाँ से लगाएंगे। इसी तरह से करते करते जो है हम पूरी रिंग लाइट को है अलग कर लेंगे। तो आप लोग जो है क्रैकिंग साउंड सुन पा रहे होंगे, तो वो क्रैकिंग साउंड जो है वो ग्लू का है जो सेपरेट हो रहा है। लेकिन आप किसको जो है ज्यादा जोर से मत कीजिएगा, नहीं तो ये जो फ्रंट वाला जो व्हाइट सेक्शन है आपका वो क्रैक भी हो सकता है। तो हो सके उतना हल्के हाथों से कीजिएगा। इस तरह से जो है आउटर रिंग जो है एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब बारी है इनर साइड की, तो इनर साइड पे भी ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे जो है ये स्क्रू लगाने का जो गैप होता है वहां पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। तो आप जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से जो स्क्रू ड्राइवर इंसर्ट करके रखिए, और नाइफ या फिर आप दूसरा स्क्रू ड्राइवर भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा शार्प होता है, तो आपको थोड़ा काम जो है सेफ्टी के हिसाब से करना होगा। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है दूसरा स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए आपकी सेफ्टी के लिए। तो नाइफ की मदद से जो इजीली हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है पास हो चुका है इस तरफ से उस तरफ तक, तो अब ये था थोड़ा इजीली हो जाएगा शायद, एक्जैक्टली नहीं कह सकता मैं। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग जो है ट्राई करते हैं टेस्टर से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्रैकिंग साउंड हुआ, तो ये जो फ्रंट वाला मेरा सेक्शन है व्हाइट कलर का, वो जो है यहाँ से ब्रेक हो चुका है। तो अब मैं जाऊँगा दूसरी साइड पे, क्योंकि ये यहाँ से क्रैक हो गया, तो फिर मैं जो है इसको पूरा का पूरा तोड़ ही दूंगा। उससे अच्छा कि मैं जो है अच्छे से इसको निकालूं। दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन काफी मुश्किल है फ्रेंड्स इसको ओपन करना।
खत्म गया। आगे स्वाद। फाइनली ये ओपन तो हो चुके, लेकिन जैसे कि आप लोग को बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि बहुत ही आसान है इसको ओपन करना, तो नहीं फ्रेंड्स, इसको इतना आसान नहीं है ओपन करना। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी तीन या चार जगह से जो है ये फ्रंट केस क्रैक हो चुका है। तो पहला तो ये रहा, आप लोग इजीली इसको देख पा रहे होंगे, फ्रंट केस यहाँ से क्रैक हो चुका है, फिर यहाँ से क्रैक हो चुका है, यहाँ से क्रैक हो चुका है, आप लोग इसको इजीली देख पा रहे होंगे। तो इतना आसान तो नहीं है फ्रेंड्स इसको ओपन करना। देखिए फ्रेंड्स, पूरा यहाँ पे क्रैक हो चुका है, और ये इसके रिंग है वो भी खराब हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो करना बनता है। अब इसको थोड़ा रखेंगे साइड पे, और ये जो है मेरा यहाँ पे रिंग लाइट जो है वो मेरी हिल रही थी, तो क्यों हिल रही है वो, अरे बाबा उठा ले। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये जो है खुल चुकी है। एक्चुअली जो ये है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लास्टिक के यहाँ पे जो है रिविट्स जैसा कुछ है, उसकी वजह से जो है रिंग लाइट मेरी निकल चुकी है। तो इसको प्रेस करना होगा यहाँ पे और यहाँ पे। अब जो मैं इसको ये ग्लू से फिक्स करूँगा ताकि ये आगे जाके भी जो है निकल ना पाए। तो यहाँ पे जो मैं ये सुपर ग्लू यूज़ कर रहा हूँ, जैसे फेविक्विक होता है इसी तरह से ये भी एक सुपर ग्लू ही है। तो एक दो ड्रॉप्स जो मैं यहाँ पे रखूंगा, तो अब इसको थोड़ा सूखने के लिए रख देंगे और वेट करेंगे। 5 minutes later ये जो है अब अच्छे से सूख गया है गम। तो अभी इसको हम लोग करेंगे पैक, और पैक करने से पहले आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ये मैंने वायर्स दिख रहे हैं आप पे, जो यहाँ पे सोल्डरिंग किए हुए हैं पॉइंट्स, जो सोल्डर किए हुए यहाँ पे, वहाँ पे मैंने वायर को एक नॉट लगा दिए हैं ताकि इसको मैं यहाँ पे फिक्स करके रख सकूँ। और अगर आप लोग नई जो लाइट परचेस कर रहे हो तो इसके अंदर जो है ये नॉट लगाई नहीं आती, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये वायर जो आप इसको खींचे नहीं, अगर खींचोगे तो ये जो है सोल्डरिंग पॉइंट आपके यहाँ से निकल के जो है लाइट आपकी हो जाएगी बंद, तो इसको आप खींचेगा मत। तो यहाँ पे मैंने अभी नॉट लगा दिया है, तो ये अगर इसको मैं खींचने का ट्राई करूँ तो भी नहीं खींच पाऊंगा। तो चलिए अब इसको करते हैं पैक, और पैक करने का आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं उसी तरह से यहाँ पे दो जो है कनेक्टर्स दिए गए हैं, तो वो कनेक्टर को आप यहाँ पे अच्छे से प्लेस कर लीजिए। कनेक्टर्स को आप लोग इस तरह से कुछ अच्छे से प्लेस कीजिए और लाइट को जो है इजीली क्लोज कर सकते हो। अब आप इसको फ्रंट और रियर को चिपकाने के लिए दो तरीके यूज कर सकते हो। पहला तो ये सुपर ग्लू से आप इसको पूरा का पूरा फिक्स कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है जो इसके आप ऊपर सेलो टेप्स लगा के आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो मैं जो है यहाँ पे सेकंड स्टेप यूज करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मुझे लाइट वापस ओपन करनी हुई तो मुझे पूरा का पूरा जो है सुपर ग्लू निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक इस तरह की जो है मैं सेलो टेप यूज करूंगा ट्रांसपेरेंट वाली, तो मैं इसको इजिली कभी मुझे ओपन करना हो तो मैं इसको कर पाऊंगा। तो चलिए अब इसको लगाते हैं और करते हैं फिक्स। इसके ऊपर अगर आपकी टेप जो है ज्यादा अच्छी नहीं दिखे तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ही है तो लाइट जो है इजीली पास हो जाएगी, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैंने दोनों ऑपोजिट साइड्स पे जो है टेप फिक्स कर लिए। अगर आप चाहे तो पूरा का पूरा इसको टेप से कवर भी कर सकते हो, या फिर चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हो। तो
ये था आज के इस वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो कर लीजिए लाइक, शेयर कीजिए इस वीडियो को और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।